नमस्कार साथियों। चलिए तो हम लोग मैप्स देख रहे थे, मैप्स में बात कर रहे थे हम लोग दक्षिण अफ्रीका की प्रमुख पर्वत श्रेणियाँ देख ली थी। अब इसमें हमें लोग बात करना था यूरोप की प्रमुख पर्वत श्रेणियों के बारे में। सबसे पहले हम लोग यूरोप की मैप्स में एक अवस्थिति देख लिए थे, कहाँ स्थित है। ठीक, तो ये है हमारी प्यारी पृथ्वी। ठीक है, इसमें सबसे पहले हमारा प्यारा भारत, ये है। भारत से लगने वाले देशों की बात कर लें तो ये नीचे श्रीलंका है, ये पाकिस्तान है, अफगानिस्तान पीओके वाला हिस्सा लगता है अफगानिस्तान से, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार। ठीक है, ये बंगाल की खाड़ी है, ये अरब सागर है। हमें बात करना है यूरोप के बारे में, यूरोप के बारे में। तो है यूरोप, ठीक है, एक रूस, रूस, फिनलैंड, फिनलैंड, स्वीडन, नॉर्वे, आयरलैंड, यूनाइटेड किंगडम, नीदरलैंड, डेनमार्क, पोलैंड, बेलारूस, यूक्रेन, रोमानिया, बुल्गारिया, ग्रीस, फ्रांस, पुर्तगाल, स्पेन। ठीक है, ये सभी यूरोप के ही देश हैं। साइप्रस था, ठीक, इटली, क्रोएशिया, ऑस्ट्रिया, चेकिया, स्लोवाकिया, हंगरी, पोलैंड, ठीक, जर्मनी, जर्मनी, डेनमार्क, ये यहाँ यूनाइटेड किंगडम है। आइसलैंड, ठीक, ये हमारा यूरोप प्रमुख देश। तो चलिए अब इसकी पर्वत श्रेणियों की स्थिति देख लेते हैं हम लोग। सबसे ऊपर है ये जोलेन पर्वत, यूरोप में सबसे ऊपर है जोलेन पर्वत। याद रखिए जोलेन पर्वत के बारे में, स्वीडन तथा नॉर्वे के उत्तरी भाग में विस्तृत पर्वत श्रेणी जिसका सर्वोच्च शिखर है केवने कैसे। ठीक है, फिर यही यूराल पर्वत है, ये यूराल पर्वत श्रेणी है। तो यूराल रूस स्थित एक वलनदार पर्वत है जो एशिया एवं यूरोप की सीमा बनाता है। इसका सर्वोच्च शिखर है नरोड़ नाया, 1894 मीटर ऊंचा है। इसमें लोहे का भारी निक्षेप है। ठीक है, यूराल है, फिर काकेशस बात करते हैं आगे। आइसलैंड था, काकेशस, एक ततारी है, ततारी श्रेणी। ततारी श्रेणी के बारे में याद रखिए, यूरोप के पोलैंड व यूक्रेन में विस्तृत थे पर्वत श्रेणी। ठीक है, फिर यही हार्ज पर्वत है, हार्ज पर्वत, यह यूरोप महाद्वीप के मध्य जर्मनी में अवस्थित है। ठीक, फिर ऊपर यहाँ गैम्पियन पर्वत है, क्या है गैम्पियन, गैम्पियन पर्वत, गैम्पियन पर्वत के बारे में आपको याद रखना है, यूनाइटेड किंगडम का सर्वोच्च पर्वत जो स्कॉटलैंड में दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व दिशा में फैला है। इसका सर्वोच्च शिखर है वैन नेविस, 1343 मीटर ऊंचा है। ठीक, फिर इसके नीचे है पिनाइन पर्वत, कौन सा पिनाइन पर्वत, ये पिनाइन पर्वत है, पिनाइन पर्वत
ग्रेट ब्रिटेन द्वीप पर उत्तर में स्कॉटलैंड की सीमा से दक्षिण में मध्य इंग्लैंड तक फैला एक प्राचीन पर्वत जिसका सर्वोच्च शिखर है, इसका फैल 977 मीटर ऊंचा है। फिर एक कैम्बियन पर्वत, एक कैम्बियन पर्वत है, कैम्बियन पर्वत इंग्लैंड के वेल्स में विस्तृत पर्वत श्रेणी है जिसका सर्वोच्च शिखर है स्नो डन। फिर मोरनी सैडी, मोरनी सैडी है ये तो मोरनी श्रेणी की आयरलैंड में स्थित पहाड़ियों का एक तंत्र है जिसका सर्वोच्च शिखर है स्लीव डॉन डोनाल्ड। ठीक है, तो नीचे आते हैं तो हमारा है ब्लैक फॉरेस्ट। कहाँ है ब्लैक फॉरेस्ट? ये ब्लैक फॉरेस्ट है। ब्लैक फॉरेस्ट के बारे में आपको याद रखना है, पश्चिमी जर्मनी के दक्षिणी पश्चिम भाग में स्थित है। इसका सर्वोच्च शिखर है शिखर फील्ड्सबर्ग, यहाँ सघन वन खनिज स्प्रिंग तथा पर्यटक स्थल है। ठीक है, जर्मनी में है, पश्चिमी जर्मनी। फिर है बास, बास जीस पर्वत। ये बास जीस पर्वत बास्जित पर्वत के बारे में याद रखिए कि फ्रांस की पूर्वी सीमा पर ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत के समांतर, ब्लैक फॉरेस्ट के समांतर फैली एक पर्वत श्रेणी है। यह दक्षिण में बेलफोर्ट द्वीप द्वारा जूरा पर्वत से अलग है। इसका सर्वोच्च बिंदु है बेलून डिको विलर। ठीक है, फिर आएंगे नीचे आए तो यही सेंट्रल मैसिव है, सेंट्रल मैसिव, तो इसके बारे में याद रखिए सेंट्रल मैसिव के में कि फ्रांस के मध्यवर्ती भाग में स्थित 1886 मीटर ऊंचा एक पर्वत है वह पठार है जिसका सर्वोच्च बिंदु है पूरी सेंसी। ठीक है, फिर आए तो बगल में यहाँ जूरा पर्वत है। कौन सा? जूरा पर्वत, ये जूरा पर्वत है। स्विट्जरलैंड तथा फ्रांस की सीमा पर दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व दिशा में फैली एक पर्वत श्रेणी है जिसका सर्वोच्च चोटी है क्रेट डी ला नी 1718 मीटर ऊंची। इसका निर्माण जुरेसे के युग में हुआ था जूरा पर्वत का। ठीक है, फिर बात करें तो यही ये आपका हाष्ट पर्वत है। कौन सा? हाष्ट पर्वत। यही ये आल्पस पर्वत है। आल्पस पर्वत, यह आल्पस पर्वत है जो फ्रांस इटली स्विट्जरलैंड तथा ऑस्ट्रिया में फैली टर्सी युगीन पर्वत है जिसका सर्वोच्च शिखर है माउंट बिलॉक 4808 मीटर ऊंचा। यहाँ प्रमुख झीलें हैं जेनेवा थून लुसर्नी ज्यूरिख तथा जुग। यहीं से डेनूब राइन रोन तथा पो इत्यादि नदियां निकलती हैं। ठीक, आल्पस पर्वत। फिर आल्पस पर्वत की बात करें तो यही एक कार्पेथियन पर्वत है। कौन सा? कार्पेथियन। कार्पेथियन के बारे में याद रखिए पोलैंड तथा चेको स्लोवाकिया के मध्य स्थित एक पर्वत है जो आल्पस का समकालीन है तथा इसकी सर्वोच्च चोटी है गेला चौका। यहाँ एक बुलंदर पर्वत है, यह प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध इसी के किनारे लड़ गए थे। ठीक है, कार्पेथियन चढ़ी। फिर यही ये बिहार पर्वत है। बिहार पर्वत इसे बिहोर भी कहा जाता है। यह रोमानिया में स्थित एक पर्वत श्रेणी है जिसका उत्तर में कार्पेथियन तथा दक्षिण में ट्रांसिल्वेनियन आल्पस है। ठीक है, फिर यही नीचे आए तो ट्रांसिल्वेनियन आल्पस है। यह दक्षिणी कार्पेथियन भी कहते हैं इसे। रोमानिया में पश्चिम से पूर्व दिशा में फैली एक श्रेणी है जिसका सर्वोच्च शिखर है बिंदु मोल्डो बेनुल। ठीक है, फिर यही नीचे बालकन पर्वत है। बालकन पर्वत
यह सर्बिया तथा बुल्गारिया में फैला है। इसका सर्वोच्च शिखर चोटी है बोटल, बोटल यह भी टर्सरी युग में निर्मित हुआ था। ठीक फिर ये रोडोप पर्वत है। रोडोप पर्वत के बारे में याद रखना है आपको कि यह बुल्गारिया के दक्षिण भाग में बालकन पर्वत तथा एजियन सागर के मध्य पश्चिम से पूर्व फैली एक पर्वत श्रेणी है। ठीक है फिर रोडोप, रोडोप के बाद यही पिंडस श्रेणी है, और फिर है दिनारिक, यह दिनारिक आल्पस। यह युगोस्लाविया के पश्चिमी तट पर स्थित है पर्वत श्रेणी जिसका सर्वोच्च बिंदु है बोल्ज नाक। ठीक है युगोस्लाविया के पश्चिमी भाग में स्थित है। ठीक डेनारिक पर्वत पिंडस हो गई। फिर अपनी है यहाँ एपे नाइन पर्वत, कौन सा एपे नाइन पर्वत। इटली में स्थित एक एटियाटिक तट के सहारे फैली टर्सरी युग की पर्वत श्रेणी है। इसका सर्वोच्च शिखर है मोंटी कोर्ना जिसकी ऊंचाई है 2914 मीटर। ठीक फिर यह है अपना लिक्रिया पर्वत, कौन सा लिक्रिया पर्वत। लिक्रिया पर्वत इटली में लिग्यू लिगुरियन सागर तट के सहारे फैला पर्वत है इटली में। ठीक फिर यही माउंट एटना है, माउंट एटना इटली के सिसिली द्वीप में स्थित है। ठीक स्टॉम्बोली पर्वत, ये स्टॉम्बोली पर्वत है। स्टॉम्बोली पर्वत इटली के लिपारी द्वीप स्थित एक ज्वालामुखी पर्वत है। इसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। किसे इसी को। ठीक फिर बात करें हम लोग, ये सब देख ही चुके हैं हम लोग। फिर है पेरिनीज पर्वत, कौन सा पेरिनीज पर्वत। फेरी ने जो पर्वत है स्पेन तथा फ्रांस की सीमा के सहारे स्थित एक पर्वत है जो बेस्के की खाड़ी से लायन की खाड़ी तक फैला है। इसकी सर्वोच्च चोटी है पीको डी अनीटो 3404 मीटर ऊंची है। ठीक कैंटावियन पर्वत, कैंटावियन पर्वत। केंटावियन पर्वत है जो स्पेन के उत्तरी भाग में बिस्के की खाड़ी के तट के समांतर पश्चिम से पूर्व स्थित एक पर्वत श्रेणी है जिसका सर्वोच्च चोटी है टोरी टी सेडो। ठीक फिर ये सेरा मुरेना पर्वत, मुरेना पर्वत, सेरा मुरेना। सेरा मुरेना के बारे में आपको याद रखना है स्पेन के मध्यवर्ती भाग में फैली एक पर्वत श्रेणी है जिसका सर्वोच्च शिखर है स्टेला। ठीक है फिर है सेरा निवादा, ये सेरा निवादा है। स्पेन के दक्षिणी भाग में विस्तृत इस पर्वत श्रेणी के उत्तर में स्पेन का प्रसिद्ध अंडालुसिया का मैदान अवस्थित है। इसका सर्वोच्च शिखर है मुलहाइन। ठीक है तो ये थे हमारे प्रमुख यूरोप की प्रमुख पर्वत श्रेणियां। ठीक है सभी देख चुके हैं हम लोग, चलिए अब इनके बारे में हम लोग एक सामान्य जानकारी देख लेते हैं प्रमुख जो तथ्य हैं। तो पहला है हमारा आल्पस पर्वत। फ्रांस इटली स्विट्जरलैंड तथा ऑस्ट्रिया में फैली टर्सरी युगीन पर्वत जिसकी सर्वोच्च चोटी माउंट ब्लांक 4880 मीटर ऊंची। यहाँ की प्रमुख झीलें हैं जेनेवा, थून, लुसर्नी, ज्यूरिख तथा जो। यहाँ से डेन्यूब, राइन, रॉन तथा पो इत्यादि नदियाँ निकलती हैं।
AP9 इटली में एट्रियाटिक तक के सहारे फैली टर्सरी युग की पर्वतश्रेणी है, जिसका सर्वोच्च शिखर है मोंटी कोर्ना 2914 मीटर। फिर है कार्पोथियन पर्वत, पोलैंड तथा चेकोस्लोवाकिया के मध्य स्थित एक पर्वत है जो आल्पस का समकालीन है। इसकी सर्वोच्च चोटी है गेला चोका। यहाँ एक बलंदार पर्वत है, प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध यहीं लड़े गए। ठीक है, फिर कैंटा बियन पर्वत, स्पेन के उत्तरी भाग में विश्व की खाड़ी के तट के समांतर पश्चिम से पूर्व स्थित एक पर्वत श्रेणी है, जिसका सर्वोच्च चोटी है टोरी डी सेरेडो। फिर गैम्पियन पर्वत, यूनाइटेड किंगडम का सर्वोच्च पर्वत जो स्कॉटलैंड में दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व दिशा में फैला हुआ है, इसका सर्वोच्च शिखर है बेन नेविस 1343 मीटर। फिर जूरा पर्वत, स्विट्जरलैंड तथा फ्रांस की सीमा पर दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व दिशा में फैलाई श्रेणी है, जिसका सर्वोच्च चोटी है क्रीट क्रीट डी ला नीग 1718 मीटर ऊंची। इसका निर्माण जुरेसिक युग में हुआ है। फिर ट्रांसिल्वेनियन आल्पस, इसे दक्षिणी कार्पेथियन भी कहते हैं, रोमानिया में पश्चिम से पूर्व दिशा में फैला एक पर्वत श्रेणी है, जिसका सर्वोच्च बिंदु है मोल्डो बेनुल। ठीक है, आगे बात करते हैं दिनारिक आल्पस, युगोस्लाव स्लाविया के पश्चिमी तट पर स्थित एक पर्वत श्रेणी है, जिसका सर्वोच्च बिंदु है बोल नाक। फिर पेनाइन पर्वत, ग्रेट ब्रिटेन द्वीप पर उत्तर में स्कॉटलैंड की सीमा से दक्षिण में मध्य इंग्लैंड तक फैला एक प्राचीन पर्वत, जिसका सर्वोच्च शिखर इसका फैल 977 मीटर ऊंचा है। फिर पेरिनीज पर्वत, स्पेन तथा फ्रांस की सीमा के सहारे स्थित एक पर्वत है जो बैस्के की खाड़ी से लायन की खाड़ी तक फैला है। इसकी सर्वोच्च चोटी है पीको डी अनेटो 3404 मीटर। फिर बालकन पर्वत, यह सर्बिया तथा बुल्गारिया में फैला है। इसका सर्व निर्माण टर्सरी युग में हुआ, जिसका सर्वोच्च चोटी है बोटर। फिर बिहार पर्वत, इसे बिहोर भी कहा जाता है। ठीक है, यह रोमानिया में स्थित एक पर्वत श्रेणी है, जिसका उत्तर में कार्पेथियन तथा दक्षिण में ट्रांसिल्वेनियन आल्पस। ठीक है, फिर बात करेंगे हम लोग ब्लैक फॉरेस्ट। फॉरेस्ट पश्चिमी जर्मनी के दक्षिण पश्चिम भाग में स्थित एक पर्वत श्रेणी है, इसका सर्वोच्च शिखर है फेल्ड्सबर्ग। यहाँ सघन वन खनिज स्पिंग तथा पर्यटक स्थल है। फिर है मैसिव सेंटर, फ्रांस के मध्यवर्ती भाग में स्थित 1886 मीटर ऊंचा एक पर्वत है, पर्वत व पठार है, जिसका सर्वोच्च बिंदु है पोड़ी सेंसी। फिर रोडोप पर्वत, बुल्गारिया के दक्षिण भाग में बालकन पर्वत एवं एजियन सागर के मध्य पश्चिम से पूर्व फैली एक पर्वत श्रेणी है। फिर लिक्रिया पर्वत, इटली के लिगुरियन सागर तट के सहारे फैला एक पर्वत है। फिर वोस जेस पर्वत, फ्रांस की पूर्वी सीमा पर ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत के समांतर फैली एक पर्वत श्रेणी है। यह दक्षिण में बेलफोर्ट गैप द्वारा जूरा पर्वत से अलग है। इसका सर्वोच्च बिंदु है बेलून डी गुबिलर। फिर सेरा मुरेना है, स्पेन की मध्यवर्ती भाग में फैली एक पर्वत श्रेणी, जिसका सर्वोच्च चोटी है एस्टेला। काकेशस पर्वत, काला सागर एवं कैस्पियन सागर के मध्य रूस जॉर्जिया व अजरबैजान में विस्तृत एक श्रेणी है जो यूरोप एशिया के मध्य सीमा बनाती है। इसका सर्वोच्च शिखर है एल्बुस 5642 मीटर, जो यूरोप का सबसे ऊंचा शिखर है। याद रखिए, वर्ष 1958 में रूसी भूगोलविदों के अनुसार यह पर्वत एशिया में स्थित है। इसमें दो बड़े दर्रे हैं, दरियाल और मेमिसन। फिर यूराल पर्वत, रूस स्थित एक बुलंदार पर्वत श्रेणी है जो एशिया एवं यूरोप की सीमा बनाती है। इसका सर्वोच्च शिखर है नरोड नाया 1894 मीटर ऊंचा। इसमें लोहे का भारी निक्षेप है। फिर ततारी श्रेणी, यूरोप के पोलैंड व यूक्रेन में विस्तृत एक पर्वत श्रेणी है। हाइज पर्वत, यूरोप महाद्वीप के मध्य जर्मनी में अवस्थित है। ठीक, जोलेन पर्वत, स्वीडन तथा नॉर्वे के उत्तरी भाग में विस्तृत पर्वत श्रेणी, जिसका सर्वोच्च शिखर है केवने कैसे कैमियन पर्वत श्रेणी। इंग्लैंड के वेल्स में विस्तृत पर्वत श्रेणी, जिसका सर्वोच्च शिखर है सर्वोच्च स्नोडन। ठीक,
आगे बात करते हैं, मोरनी सैनी आयरलैंड स्थित पहाड़ियों का 31 जिसका एक तंत्र जिसका सर्वोच्च शिखर है स्लीप स्लीप डोनाल्ड माउंट स्टम्बोली। इटली के लिपारी द्वीप पर स्थित एक ज्वालामुखी पर्वत है, इसे भूमध्य सागर का विकास स्तंभ कहा जाता है। फिर माउंट एटना इटली के सिसिली द्वीप स्थित एक ज्वालामुखी पर्वत है। फिर सेरा निवादा, सेरा निवादा के बारे में याद रखिए कि स्पेन के दक्षिणी भाग में विस्तृत इस पर्वत श्रेणी के उत्तर में स्पेन का प्रसिद्ध अंडा लूसिया का मैदान अवस्थित है। इसका सर्वोच्च शिखर है मूलहाइन। थ्रेड डिनारिक एल्पस के बारे में आपको याद रखना है। एडियाटिक तट के समांतर क्रोएशिया से लेकर वो उत्तरी पश्चिमी अल्बानिया तक फैले हुए वलंदार पर्वत हैं। इस पर्वत की उत्पत्ति टर्शरी युग में हुई। इस पर्वतमाला में कास्ट का क्षेत्र भी सम्मिलित है। कास्ट क्षेत्र में नदियां लुप्त हो जाती हैं। फिर हमारा और पर्वत जर्मनी तथा चेक रिपब्लिक की सीमा पर अवस्थित इस पर्वत में बहुत से खनिज पाए जाते हैं। तो चलिए ये था हमारा यूरोप की प्रमुख पर्वत श्रेणियां। आगे बात करेंगे हम लोग एशिया की प्रमुख पर्वत श्रेणियां, ठीक है।